नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको। तो बिना समय बर्बाद किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मुकेश एक मजदूर था। अपने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते मुकेश ने अपनी छोटी सी उम्र में ही मजदूरी के काम को अंजाम दिया, क्योंकि उसके घर के हाल कुछ सही नहीं थे, जिस कारण उसे ना चाहते भी अपनी पढ़ाई को छोड़कर एक मजदूरी के काम के साथ मुलाकात करनी पड़ी। मुकेश की चाहत हमेशा एक लड़की के साथ रही थी। वो उसको खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। मुकेश एक बहुत छोटी फैक्ट्री में दूध का धंधा किया करता था। वो अपनी कमाई के द्वारा ही घर के साथ साथ खुद का भी खर्चा चलाता था। मगर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा भी मोड़ दाखिल हुआ जिसने उसे एकदम सदमा सा दे दिया। लेकिन चाहे इंसान की लाइफ में कितनी भी मुश्किलें पैदा हों, उसे कभी हार नहीं मानना चाहिए। मुकेश उस शाम दूध बेचकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता एकदम सुनसान था। सर्दियों के मौसम में कड़कड़ाती हुई ठंड ने मुकेश के हाथों को झमासा दिया था। अब तो बाइक चलाना भी मुश्किल हो रहा था और अब धीरे धीरे कोहरा भी छाने लगा, जिस कारण बाइक को ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मगर अब मुकेश को तलाश थी एक शराब की दुकान की, जिसकी दूरी मालघाट चौराहे से करीब 7 किलोमीटर की थी। लिहाजा उसने बिना कुछ जाने या फिर विचार किए बाइक को उसी तरफ मोड़ लिया। रास्ते में उसे राशन की एक दुकान दिखाई देने लगी, जिसके अंदर राशन पानी का सामान रखा हुआ था। मुकेश के शरीर के साथ साथ उसका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था, जिस कारण उसने दुकानदार को एक सिगरेट लाने को कहा। लिहाजा वो दुकानदार भी एक सिगरेट और लाइटर लेकर मुकेश के करीब पहुंच गया। इससे पहले कि मुकेश उस आदमी से कोई बात कर पाता, उस आदमी ने कहा, भाई साहब आज आप काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो कृपया संभाल कर जाइएगा। लेकिन वो दुकानदार नहीं जानता था कि यह नौजवान लड़का सिगरेट के अलावा महंगी शराब पर भी अपना हाथ मारने वाला है। उस वक्त मुकेश सिगरेट फूंकते हुए एक हाथ से बाइक चलाने लगा। तभी उसे बीच रास्ते में उसका जिगरी दोस्त दीपक नजर आया। उसे देखकर मुकेश ने तुरंत अपनी बाइक का ब्रेक लगाया और फिर दीपक को यहाँ आने का रीज़न पूछने लगा, तो उसने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। लेकिन आज दीपक की हालत काफ़ी टाइट लग रही थी, उसका शरीर पूरा कांप रहा था। फिर मुकेश और दीपक शराब की एक दुकान के पास पहुँचे और वहाँ से बियर की एक बोतल लेने के बाद उसकी घूंट लेने लगे। लेकिन आज दीपक काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रहा था, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर जब मुकेश ने दीपक को अपनी इस हालत के बारे में पूछा, तब जाकर उसने बताया कि कुछ टाइम पहले वो हाईवे पर खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार ही कर रहा था कि अचानक उसे अपनी गर्लफ्रेंड नज़र आई, लेकिन वो उससे काफ़ी दूरी पर दिखाई दे रही थी, जिस कारण दीपक चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। मगर जब वो हाईवे से थोड़ा आगे की ओर पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दीपक ने देखा अब वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, दूर दूर तक किसी परिंदे का नामोनिशान तक नहीं था। उसके तो होश ही उड़ गए। और फिर वह अपने कांपते पैरों के साथ जब वापस पीछे मुड़ा, तो उसे चौराहे के बीचों बीच एक औरत नजर आई, जिसके बाल एकदम खुले हुए थे और उसका शरीर भी काफ़ी खूंखार लग रहा था। उस महिला ने अपने पूरे शरीर पर सिर्फ कुछ गिने चुने कपड़े पहन रखे थे, बाकी नग्न अवस्था में थी और साथ ही वो दिखने में काफ़ी अलग थी। दीपक तुरंत चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा, लेकिन जब वह वापस पीछे मुड़ा तो अब वहां पर कोई भी नहीं था। फिर वो भागता हुआ एक दुकान के पास पहुंच गया। मुकेश को दीपक की बात काफ़ी काल्पनिक लगी, क्योंकि बचपन से ही मुकेश को इन चीज़ों में कुछ खास विश्वास नहीं था। उसने इन बातों को नज़रअंदाज किया
और दीपक को अपने साथ लेकर घर की ओर बढ़ चला। अब वो दोनों उस रास्ते से गुजर रहे थे जिसको भूतों का अविश्वसनीय अड्डा भी कहा जाता है। रात के करीब 12 बज चुके थे। रास्ता पूरी तरीके से सन्नाटे में डूब चुका था। आज की यह मनहूस रात ठंड से अपना कहर बरसा रही थी। बाइक को ड्राइव करना भी अब असंभव लग रहा था, मगर अब उन दोनों को काफी कम दूरी ही तय करनी थी। फिर मुकेश के हाथों पर अचानक ही कुछ गीला गीला सा लगने लगा। उसने अपने हाथों की ओर देखा तो उसने पाया कि उसके हाथ इस वक्त खून से सने हुए थे। उसकी धड़कनों ने एकदम से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। उसने बाइक को साइड में लगाया और नीचे उतरकर अपने हाथ को ठीक से देखने लगा, लेकिन ये क्या, अब उसके हाथों पर ऐसा कुछ नहीं था जो उसे कुछ देर पहले दिखाई दिया था। मुकेश कुछ पलों के लिए भुझक्का रह गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसने दीपक को बाइक ड्राइव करने को कहा और खुद पीछे वाली सीट पर बैठ गया। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, लेकिन मुकेश इस बात से अनजान था कि यह सिर्फ तूफान के पहले का संकेत है। उसने अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस किया जो काफी गर्म हाथ था। मुकेश ना चाहते हुए भी धीमे धीमे अपने पीछे की ओर पलटा तो उसने पाया कि एक कटा हुआ हाथ उसके कंधे पर गिरा हुआ था। मुकेश की हालत बद से बदतर होने लगी। वो भी खौफ के आतंक में भैंसा गया था। उसने हाँफते हुए उस हाथ को चलती हुई बाइक से नीचे फेंक दिया और दीपक को भी सारी बात बताई। दीपक काफी पहले से ही उस काली ताकत से टकरा चुका था, जिस वजह से वो जान चुका था कि आज उनका बचना काफी मुश्किल होगा। दीपक ने बाइक की स्पीड को एकदम से बढ़ा दिया और बाइक अब फुल स्पीड के साथ गांव की तरफ दौड़ने लगी। ठंड के मारे भले ही दोनों की हालत खराब बन चुकी थी, मगर अब तक वो सही सलामत गांव तक पहुंच गए। लेकिन आज वो उस काली डायन से बच कर निकल जाएं। मगर क्या ये सब यहीं तक सीमित था? इन बातों से दोनों ही अनजान थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो काली शक्ति बार बार उनका पीछा क्यों कर रही है और वो थी कौन। उस रात पता नहीं क्यों, लेकिन मुकेश और दीपक अपनी जान बचाने में सक्षम रहे। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये बस शुरुआत ही हुई थी। दोस्तों, उस दिन मुकेश काफी लेट होने के बाद अपने घर लौटा था। वह दीपक के साथ अपने घर वालों से बिना बात किए अपने कमरे में चला गया। रात के लगभग 1 बज रहे थे। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा हुआ था। उस कड़कड़ाती ठंड के माहौल में मुकेश अपने कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था कि अचानक उसे जोरों की ठंड लगने लगी। कंबल ओढ़ने के बावजूद उसके दांत आपस में टकरा रहे थे। वो इस वक्त एक गहरी नींद में मगन था, जिस कारण उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह एक पल के लिए उठकर भी चारों तरफ के माहौल को देख सके। लेकिन ठंड ने उसे मजबूर कर दिया था, और जैसे जैसे रात कटी वैसे वैसे मुकेश और दीपक को राहत की सांस मिली। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे और अब धीरे धीरे गांव के अंदर शोर शराबा शुरू हो गया। मुकेश एक बार अपनी जॉब हेतु फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। सीधा साधा लड़का मुकेश आज नहीं जानता था कि आज उसका सामना दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत से होने वाला है। खैर, जैसे तैसे दिन कटा और एक बार फिर वक्त हुआ भूत के राज का। और आज वैसे भी शनिवार का दिन था, जो काली शक्तियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। उस दिन मुकेश जल्दी जल्दी से अपने घर जाने की तैयारी में था, लेकिन जब इंसान जल्दबाजी करता है तो उसे मुसीबतों की परछाई से लड़ना पड़ता है। इस वक्त मुकेश अब दूध बेचकर वापस घर की तरफ रवाना होने वाला था, लेकिन बीच रास्ते में उसकी बाइक का महत्वपूर्ण हिस्सा चेन सॉकेट एकदम से टूट गया, जिस कारण आगे बाइक बढ़ ही नहीं पाई। मुकेश मुसीबतों से लड़ता हुआ किसी मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश करने लगा। उस वक्त मुकेश के साथ दीपक भी था। वो दोनों कल हुई घटना को सोच सोच कर परेशान और हताश होने लगे, क्योंकि अब उन्हें अंदर ही अंदर दहशत का सामना करना पड़ रहा था। शायद उस वक्त रात के लगभग 9 बजे थे। अभी भी इतना समय नहीं हुआ था जितना कि पिछली रात मुकेश के साथ उस घटना के वक्त हुआ था। मुकेश को लगा कि अब शायद उसे खुद ही मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, तो वह बाइक को धक्का मारते हुए आगे बढ़ाने लगा और वहां से निकलने लगा।
रास्ता एकदम सपाट था, चैन सॉकेट लगभग टूट चुका था। यहाँ से उस मैकेनिक की दूरी करीब 2 किलोमीटर की थी जो उन्हें पूरी करनी थी। मुकेश अपनी बाइक के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र उस चौराहे पर पड़ी जिस जगह पर उसने कल दीपक को देखा था। मगर इस बार जब मुकेश ने चौराहे की तरफ देखा तो उसकी सांसें उखड़ने लगी, क्योंकि अब की बार उसने देखा कि एक कटी हुई मुंडी उस चौराहे के बीचों बीच पड़ी थी। मुकेश की तो पहले ही फट पड़ी थी, और जब उस मुंडी ने अपनी आंखें खोली और मुकेश की तरफ मंद मुस्कुराहट देने लगी तो उस कड़कड़ाती ठंड के माहौल में भी मुकेश का पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। अब वह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। वह बिना कुछ सोचे समझे बाइक का स्टैंड लगाने लगा और फिर वहां से भागने की फिराक में था। लेकिन वो एक ऐसे इलाके में निवास करता था जहां से चोरियां काफ़ी ज़्यादा होती थी, जिस कारण उसे डर भी था कि कहीं कोई चोर की औलाद बाइक पर अपना हाथ ना मार दे। और मुकेश अपनी बाइक के साथ साथ सामने को सड़क की तरफ चल ही दिया। वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन जब उसने दीपक पर अपनी निगाहें डाली तो उसने देखा कि दीपक आज पूरे दिन से एकदम खामोश था। दीपक आज पूरे दिन से मुकेश के साथ ही था और आज वह अपने घर भी नहीं गया। मुकेश ने दीपक से पूछना तो चाहा, मगर बाद में उसने नज़रअंदाज कर दिया। रात लगातार घनी होती जा रही थी, चारों तरफ बिखरा हुआ सन्नाटा यह आने वाले कुछ भयानक चीज़ों का संकेत दे रहा था। मगर मुकेश एक बार फिर किसी काली ताकत के साए से डरा हुआ था। और तभी अचानक से मुकेश की बाइक को पीछे से किसी ने पकड़ लिया, और जब मुकेश अपने पीछे पलटा तो यह वही औरत थी जो कल भी बाधा उत्पन्न बनकर मुकेश पर मंडरा रही थी। अब उसका वो खूंखार शरीर मुकेश को नोचने ही वाला था कि दीपक अचानक ही बीच में आ पहुंचा, और अब दीपक का आकार एकदम से बढ़ने लगा। ये देख मुकेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। दीपक ने मुकेश को जल्द से जल्द वहां से भागने का इशारा किया। मुकेश बाइक को घसीटते हुए तुरंत भागने लगा। जब मुकेश ने उस कटी हुई मुंडी की ओर नजर डाली तो उसने पाया कि वह मुंडी किसी और की नहीं बल्कि दीपक की ही थी, यानी कि दीपक मर चुका था। मुकेश बहते हुए आंसुओं के साथ भागता रहा और फिर वह मैकेनिक के पास भी पहुंच गया। फिर उसने उस मैकेनिक को भी पूरी बात बताई तो उस मैकेनिक ने बताया कि आज सुबह यहाँ एक लड़की की लाश मिली थी जिसे सही सलामत उसके गांव तक पहुंचा दिया गया। और फिर उस मैकेनिक ने यह भी कहा कि आजकल इन चौराहे पर एक खूबसूरत डायन घूमती है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। अपने दोस्तों को खोने के बाद मुकेश ने इस काम को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आज भी मुकेश को ऐसा लगता है मानो दीपक उसके आसपास मंडराता रहता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। यह कहानी है चतुर्गिरी राज्य की, जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था। राज्य में आने जाने वालों को इन पहाड़ों पर चढ़ाई कर यात्रा करनी पड़ती थी। देवव्रत चतुर्गिरी के राजा थे। उनके प्रधानमंत्री काशीनाथ की मृत्यु उपरांत उनके दरबार के निष्ठावान व ईमानदार मंत्री परमवीर को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जब कभी राजा देवव्रत अन्य राज्यों में किसी उद्देश्य से जाते तो अक्सर परमवीर भी उनके साथ यात्रा करते थे। किसी और के दिमाग में यह बात नहीं आई जो परमवीर के मन में उत्पन्न हुई। एक दिन राजा देवव्रत का दरबार लगा हुआ था और राज्य की समस्याओं व प्रगति के बारे में चर्चा की जा रही थी। परमवीर महाराज को अपनी योजना के बारे में बताना चाहते थे। जब उनकी बारी आई तो वह अपने स्थान पर खड़े हो महाराज से कहने लगे, महाराज, चतुर्गिरी में आने व जाने के लिए हमें पहाड़ों पर से होते हुए यात्रा करनी पड़ती है। अभी जिस रास्ते से हम यात्रा करते हैं उस पर से चलते हुए हमें राज्य से निकलने में ही 4 प्रहार लग जाते हैं, जिससे कि बहुत अधिक समय की हानि होती है। परमवीर की बात सुन दरबार में बैठे सभी लोग आपस में धीमे स्वर में चर्चा करने लगे। महाराज भी परमवीर की बात पर विचार करने लगे। आपकी बात तो उचित है परमवीर जी, परंतु हमारे पास यात्रा के लिए अन्य कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता नहीं है महाराज, लेकिन बनाया जा सकता है। परमवीर के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुन महाराज सहित पूरा दरबार उन्हें प्रसन्न भरी नजरों से देखने लगा। महाराज, अगर हम उत्तर दिशा में स्थित
उगगिरी पर्वत को काट कर रास्ता बनाए तो जिस यात्रा में 4 प्रहर लगते हैं उसमें 1.25 घंटे का प्रहर से भी कम समय लगेगा। परमवीर की बात सुन सबके चेहरे पर ऐसे भाव उतर आए जैसे उसने पर्वत को नहीं बल्कि आसमान को काटने की बात कह दी हो। परमवीर ने अपनी योजना बताना जारी रखते हुए कहा, महाराज पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना कठिन कार्य तो है पर नामुमकिन नहीं। इस पर पूर्ण क्रियाकलाप करने के पश्चात ही यह प्रस्ताव मैंने आपके समक्ष पेश किया है। 1000 श्रमिकों के साथ इस कार्य को संपूर्ण होने में 1 वर्ष का समय लगेगा और इसमें कुल लागत 5000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। महाराज इसके साथ ही राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या का भी निवारण हो जाएगा। महाराज देवव्रत पूरे ध्यान के साथ परमवीर की बात सुन रहे थे। महाराज ही नहीं बल्कि दरबार के अन्य सदस्य भी परमवीर की बात को गौर से सुन व समझ रहे थे। परमवीर तुम्हारा यह प्रस्ताव बेहद ही अद्वितीय है परंतु इसमें लगने वाली लागत का राजकोष पर भारी आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, फिर राजकोष को पुनः समर्थन होने में 10 दशक व्यतीत हो जाएंगे। महाराज ने अपनी चिंता जाहिर की। महाराज की बात सुन परमवीर मुस्कुराए और महाराज से बोले, महाराज आप चिंतित ना हो, मैंने इस योजना को बनाते वक्त सभी पक्षों को ध्यान में रखा था। महाराज राज्य से अधिकतर आवागमन व्यापारियों द्वारा किया जाता है, सफर का समय कम होने से उन्हें निश्चित तौर पर लाभ होगा। हम नए मार्ग पर व्यापार के लिए जाने वालों पर निर्धारित करेंगे जो कि उनकी आय के समक्ष बहुत ही कम होगा, परंतु इससे राजकोष में हुई हानि 1 वर्ष के भीतर ही लाभ में परिवर्तित हो जाएगी। परमवीर के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। सभी मंत्रियों ने नए मार्ग को स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही कार्य भी शुरू हो गया। बेरोजगारों को रोजगार मिल गया था, व्यापारियों के लिए व्यापार का रास्ता सरल होने वाला था और राज्य को कर से मुनाफा होने वाला था। पहाड़ काटने के कार्य को चले 5 माह हो गए थे। एक दिन श्रमिक जोरों से शोरों से कार्य कर रहे थे कि उनमें से एक का औजार किसी ऐसी चीज से टकराया जिसमें घाव होने के साथ ही रक्त का फवारा फूट पड़ा। वह श्रमिक घबरा गया और उसने उस स्थान को अपने साथियों को दिखाया। सभी उस घाव को देख रहे थे कि उनके देखते ही देखते वह घाव भर गया और उस स्थान पर हलचल होने लगी। इसके साथ ही पहाड़ भी कांपने लगा। श्रमिकों को लगा शायद भूचाल आ गया है। सभी श्रमिक पहाड़ से उतरकर पीछे हटने लगे। सबकी निगाहें पहाड़ पर थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उन श्रमिकों का खून ठंडा पड़ गया। जिस पहाड़ को वो पिछले 5 महीने से काटने में लगे हुए थे वो उनकी आंखों के सामने 2 टुकड़ों में बट गया और उसमें से निकला एक दानव। पहाड़ के आकार के उस दानव के सिर पर मुड़े हुए सींग थे। पूरा शरीर मिट्टी के रंग का था जिस पर घने बाल थे और उसकी आंखें हरे रंग की थी। वह राक्षस छाती पीटते हुए गर्जना के साथ क्रोधित आंखों से श्रमिकों की ओर देखने लगा। जिस श्रमिकों की बुद्धि ने कार्य करना शुरू कर दिया था वो वहां से भाग खड़े हुए और जो पत्थर बनकर खड़े थे उनको उस दानव ने उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। अपने शिकारों को खाने के बाद वो राज्य की ओर बढ़ चला। जब महाराज और परमवीर तक यह बात पहुंची तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी महल की धरती में कंपन होने लगी। महाराज और परमवीर भागकर महल की छत पर पहुंचे तो दूर गांव का दृश्य देखकर हैरान रह गए। उस दानव ने पहाड़ के सबसे नजदीकी गांव पर हमला कर दिया था और वहां जो उसके हाथ लगा उसे अपना भोजन बना लिया। वह गांव महल से बहुत दूर था लेकिन इतनी दूरी से भी वो विशालकाय राक्षस स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब उस पहाड़ी राक्षस को लगा कि उसकी भूख शांत हो गई है तो वह पुनः अपनी उत्पत्ति वाले स्थान पर लौट गया और आंखें बंद कर खराटे भरने लगा। महाराज को जब इस बारे में सूचित किया गया तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना उस राक्षस को खत्म करने के लिए भेज दी। जब सेना वहां पहुंची तब भी वह राक्षस गहरी नींद में सो रहा था। सैनिकों ने इस बात का लाभ उठाकर उस दानव पर आक्रमण कर दिया लेकिन उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेना उसे घाव देती वो कुछ ही क्षण में पुनः भर जाती। 1 सप्ताह तक उस राक्षस को मारने का प्रयास चलता रहा। सेना बढ़ा दी गई, अस्त्र शास्त्र बढ़ा दिए गए, हर संभव कोशिश की गई लेकिन वह राक्षस बेखबर सा खराटे भरता हुआ सोता रहा। सेना को लगा कि शायद अब यह पुनः ना जागे लेकिन उनका यह भ्रम शीघ्र ही टूट गया। जब वह राक्षस दहाड़ते हुए जाग उठा
और आदि सेना को अपना भोजन बनाकर पुनः सोने चला गया। फिर से उसे मारने के प्रयास किए गए, तरीके बदल गए, हथियार बदल गए, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। एक सप्ताह बाद पुनः वह राक्षस जागा, कुछ मनुष्यों को अपना भोजन बनाया और सो गया। सबको समझ आ चुका था कि शिकार करने के बाद यह राक्षस एक सप्ताह तक गहरी नींद सोता है, और साथ में यह भी समझ आ गया था कि इसे मारने का कोई तरीका नहीं है। सैनिकों ने जाने से मना कर दिया और महाराज पर लोगों की उम्मीदें भरी नजरें टिक गई। परमवीर अंदर ही अंदर ग्लाइन से मरे जा रहे थे और एक दिन अकेले ही तलवार उठाकर उस राक्षस का अंत करने निकल पड़े। यह वही दिन था जिस दिन वह राक्षस अपनी साप्ताहिक नींद से जागृत होने वाला था। राक्षस जागा, दहाड़ा और इधर उधर अपने भोजन की तलाश करने लगा, लेकिन वहां किसी मनुष्य को ना देख क्रोध से खड़ा हो गांव की ओर बढ़ चला। उधर से परमवीर चला आ रहा था। सामने से आते उस राक्षस को परमवीर ने ललकारा और युद्ध की चुनौती दे दी। वह राक्षस पुनः गुस्से से दहाड़ा और परमवीर को अपना शिकार बना लिया। चतुर्गिरी राज्य ने एक कुशल मंत्री और साहसिक योद्धा को खो दिया, परंतु परमवीर को अपना ग्रास बनाने के बाद भी उसकी भूख शांत ना हुई और वो राज्य की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे जो मिला, मनुष्य, जानवर, पक्षी, उसे वह खाता गया, और जब उसकी भूख शांत हुई तो वो वापस अपने स्थान पर जाकर लेट गया। राज्य में सूर्य तो रोज निकलता था, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। राजा को हताश देखकर एक दिन उनकी पुत्री राजकुमारी संभवी ने उनसे कहा, पिताश्री, हमने उस राक्षस को हराने की हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पिताश्री, हमें लगता है कि हमें माँ प्रकृति का आह्वान कर उनसे रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज देवव्रत को संभवी के सुझाव को मानने के अलावा अन्य कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। सभी प्रकार के प्रयत्न तो कर ही चुके थे उस राक्षस को हराने के, तो यह भी कर लिया जाए। यही सोचकर महाराज ने यज्ञ अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। अगले दिन ही यज्ञ का आयोजन किया गया और राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उस अनुष्ठान में पहुंचा। मन में सब माँ प्रकृति में रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। यह यज्ञ 3 दिवस तक चलता रहा। उस राक्षस के पुनः जागने में एक दिन शेष रह गया था, लेकिन राज्यवासियों को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अंत में माँ प्रकृति की कृपा हुई। पद्मनाभन दूर दराज के राज्य समृद्धिपुर का राजकुमार और राजा देवव्रत के प्रिय मित्र राजा विद्याधर का पुत्र था। जब विद्याधर तक देवव्रत के राज्य में आए संकट की सूचना पहुंची तो उन्होंने तुरंत राजकुमार पद्मनाभन को चतुर्गिरी रवाना कर दिया। राजकुमार पद्मनाभन अपने कुछ सैनिकों सहित जब चतुर्गिरी के राज्य में पहुंचा तो राज्य में फैली शांति देखकर हैरान रह गया। जब उसने महल में प्रवेश किया तो देखा कि पूरा राज्य महल में यज्ञ अनुष्ठान के लिए एकत्र हुआ था। 3 दिन तक चला यह यज्ञ आहूतियों के साथ संपन्न हुआ तो पद्मनाभन राजा देवव्रत से जाकर मिला और अपने आगमन का कारण बताया, जिसे सुनकर देवव्रत व्याकुल हो उठे और राजकुमार से तुरंत ही लौट जाने के लिए कहा। लौट जाइए, पद्मनाभन ने आश्चर्य से पूछा। हम लौटने के लिए नहीं, आप ही तो उस दानव का अंत करने के लिए यहाँ आए हैं। राजकुमार पद्मनाभन के वो शब्द गंभीरता और दृढ़ता के साथ कहे गए थे। आप समझने की कोशिश कीजिए पद्मनाभन, वह राक्षस बहुत ही भयानक और विशाल है। उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी मित्रता और इस राज्य की अस्मिता पर एक कलंक लग जाएगा, इसलिए मेरी बात मानिए और लौट जाइए। राजा देवव्रत राजकुमार पद्मनाभन से अनुरोध करते हैं, महाराज आप चिंता ना करें, भले ही उस राक्षस पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शास्त्रों का असर ना हुआ हो, पर हमारी यह तलवार यह कोई सामान्य तलवार नहीं है। यह स्वयं माँ भवानी द्वारा हमें वरदान में प्राप्त हुई है, इसका वार कभी खाली नहीं जाता। राजकुमार पद्मनाभन ने राजा देवव्रत को अपनी तलवार दिखाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो चलिए मेरे साथ, हमें आज ही इस तलवार से उस दानव का अंत करना होगा, क्योंकि कल वह पुनः जाग जाएगा, राजा देवव्रत ने तत्परता से कहा। लेकिन राजकुमार वहीं खड़े रहे, नहीं महाराज, हम उस राक्षस का अंत कल ही करेंगे। हम इस तलवार से सोए हुए प्रतिद्वंदी पर आक्रमण कर माँ भवानी का अपमान नहीं कर सकते। राजा देवव्रत को राजकुमार पद्मनाभन की ये बात बालहट प्रतीत हो रही थी। उन्होंने राजकुमार को बहुत समझाया, पर राजकुमार अपनी जिद पर अड़े रहे थे। अंत में राजा देवव्रत को उनकी जिद के आगे हारना पड़ा।
अगले दिन सुबह ही राजकुमार उस राक्षस के ठिकाने पर चल पड़ा। जब पद्मनाभन वहां पहुंचे तो राक्षस नींद में था। पद्मनाभन वहीं खड़े रहकर उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद वह राक्षस जागा और दहाड़ के साथ अपने जागने का संदेश पूरे राज्य को दिया। भोजन की तलाश में आगे बढ़ा तो पद्मनाभन ने युद्ध के लिए ललकारा। गुस्सैल राक्षस ने पद्मनाभन को मुट्ठी में पकड़ उठा लिया और अपने मुंह की ओर ले जाने लगा। राजकुमार का शरीर उस राक्षस की मुट्ठी में कैद था, लेकिन उसके हाथ मुक्त थे। जैसे ही राक्षस पद्मनाभन को अपने मुख में डालने वाला था, वैसे ही राजकुमार ने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपनी तलवार राक्षस के माथे में घोंप दी। इस वार से राक्षस की पकड़ ढीली पड़ गई और राजकुमार उसकी कैद से छूटकर राक्षस के सीने पर जा गिरा। राक्षस ने अपनी तलवार से उस राक्षस के हृदय में कई वार किए। पहले तो राक्षस खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, शायद इस उम्मीद में कि उसके घाव भर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो वहीं गिर गया। उसके गिरते ही धरती में कंपन हुई। राक्षस के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और राजकुमार पद्मनाभन ने विजय प्राप्त कर ली थी। धीरे धीरे राज्य के लोग वहां इकट्ठे हो गए और पद्मनाभन के नाम के जय जयकारे लगने लगे। महाराज देवव्रत ने राजकुमार का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। पद्मनाभन ने महाराज से कहा, राजकुमारी को अगर इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है तभी मैं उनसे विवाह करूंगा। राजकुमारी संभवी ने विवाह को मंजूरी दे दी। राजा विद्याधर के आगमन के पश्चात राजकुमार और राजकुमारी विवाह बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। अमेरिका के कुछ प्रांतों में एक लोक कथा सदियों से सुनाई जाती रही है। यह कहानी एक रोती हुई महिला के भूत की है, जिसे ला लोराना के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ला लोराना ने अपने पति के धोखे से क्रोधित होकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया, और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसने भी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा अपने बच्चों के पास ये दुनिया छोड़कर नहीं जा सकी और तब से वह पानी वाले स्थानों पर रोते हुए अपने बच्चों को तलाशती भटक रही है, और जो कोई बच्चा उसे मिल जाता उसे वह अपने साथ ले जाती है। ये क्या देख रहे हो तुम दोनों? मानसी ने फोन से आती हुई आवाजों को सुनकर पूछा। मानसी की आवाज सुनकर तन्मय और स्पर्श घबरा गए और जल्दी से वीडियो बंद कर दिया। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही, तन्मय ने झूठ बोलने की कोशिश की। मानसी को आंखें निकालते देख वो समझ गए थे कि उनका झूठ पकड़ा गया है। मॉम, जब हमने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को बताया कि इस बार हम घूमने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें ला लोराना के भूत के बारे में बताया था और हम उसी के बारे में जानकारी ले रहे थे। मानसी ने तन्मय के हाथों से फोन ले लिया। व्यर्थ की अफवाहों पर विश्वास मत किया करो। फोन को साइड में रखते हुए मानसी स्पर्श को गोद में उठा लेती है। बाबू, तुम्हारी बहन बहुत छोटी है और अगर तुम उसे ऐसी वीडियो दिखाओगे तो उसे रात में डरावने सपने आएंगे, थोड़ा तो ध्यान रखा करो। मानसी की बात सुन तन्मय उससे माफी मांगता है। मानसी का परिवार बेहद समृद्ध था। हर छुट्टियों में उनका परिवार विदेश घूमने जाता था और इस बार वो कैलिफोर्निया जाने वाले थे। वहीं मानसी की ननंद भी रहती थी और उन्होंने ही मानसी से इस बार कैलिफोर्निया आने की जिद की थी। अगले दिन सुबह की फ्लाइट से मानसी का परिवार अमेरिका के लिए रवाना हो गया। कैलिफोर्निया का सांता मोनिका शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है। उसी शहर में मानसी की ननंद शोभा अपने पति व दो बच्चों विहान और त्रिशा के साथ रहती थी। शोभा उनके आगमन पर बहुत खुश थी। उनकी खूब आवभगत की गई। सबने अगले दिन घूमने की योजनाएं बनाई। शोभा का घर प्राइवेट बीच के किनारे पर था और वहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इक्का दुक्का ही घर थे। खाना खाने के बाद बातें करते हुए कब रात के 11 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। सब सोने के लिए चले गए, लेकिन तन्मय को नींद नहीं आ रही थी। शायद समय बदलाव के कारण ऐसा हो रहा था। उसका गला भी सूख रहा था, तो वह उठकर किचन में पानी पीने के लिए चला गया। किचन में बीच की ओर खुलने वाला स्लाइडिंग डोर लगा हुआ था। तन्मय पानी पीकर वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने स्लाइडिंग डोर के पास जाकर देखा कि
समुद्र तट पर कोई औरत बैठी रो रही थी। तन्मय को भी अन्य बच्चों की तरह घर से सीख मिली थी कि अकेले कहीं मत जाओ, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ना जाने क्यों तन्मय खुद को रोक नहीं पाया और दरवाजे को खोलकर तट की ओर बढ़ने लगा। वह 12 साल का निडर बालक उस औरत जिसकी पीठ उसकी तरफ थी उससे पूछने लगा, आंटी आप क्यों रो रही हो? तन्मय का सवाल सुन वह खामोश हो गई और तन्मय की ओर मुड़ी तो उसे देखकर तन्मय घबरा गया। सफेद गाउन वाली उस औरत का चेहरा भी बिल्कुल सफेद था, जैसा किसी ने चूना पोत दिया हो। सफेद चेहरे पर काली आंखें और उनमें से बहते रक्त के आंसू। तन्मय भागने को हुआ तो उस औरत ने उसे पकड़कर सीने से लगा लिया। तन्मय छटपटाने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। तन्मय की पुकार के साथ ही उस औरत के रोने की आवाज भी बढ़ने लगी थी। वह जोर जोर से रोने लगी। शोभा अपने कमरे में सो रही थी कि किसी के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उठने के बाद शोभा को अचानक से याद आया कि वह लाल लोराना के बारे में मानसी को बताना ही भूल गई थी। हे भगवान, ये लाल लोराना तो इतना तभी रोती है जब कोई बच्चा इसे मिल जाता है। बुदबुदाते हुए शोभा भागकर मानसी के कमरे में गई। शोभा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई अनहोनी ना घटित हो गई हो। क्या हुआ शोभा? मानसी ने दरवाजा खोलते हुए शोभा से पूछा। ये रोने की आवाज किसकी है शोभा? मानसी के पहले सवाल का जवाब देती उससे पहले ही उसने दूसरा सवाल पूछ लिया। भाभी मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम बच्चों को देख कर आते हैं। शोभा को घबराया देख मानसी ने कोई और सवाल नहीं पूछा और उसके साथ बच्चों के कमरे की ओर चल दी। पहले उन्होंने त्रिशा के कमरे में देखा। यहाँ त्रिशा और स्पर्श गहरी नींद में सो रहे थे। शोभा को थोड़ी राहत हुई। फिर दोनों विहान के कमरे में गई। यहाँ सिर्फ विहान ही था। ये तन्मय कहाँ गया? लगता है पानी पीने गया होगा किचन में, मानसी ने तन्मय को कमरे में ना देख कर कहा। लेकिन शोभा के मन में घबराहट उत्पन्न होने लगी थी और उसके माथे पर पसीना आने लगा था। शोभा भागती हुई किचन में गई लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मानसी भी उसके पीछे पीछे आ गई और वो अब रोने की आवाजें भी आना बंद हो गई थी। मानसी ने देखा कि तन्मय किचन में भी नहीं है तो उसे भी थोड़ी घबराहट होने लगी। वह पूरे घर में तन्मय को ढूंढने लगी लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। जब वह वापस किचन में आई तो शोभा यथावत स्थिति में खड़ी समुद्र तट की ओर देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। शोभा को यूं देखकर मानसी का डर बढ़ रहा था। शोभा, तन्मय कहाँ है? शोभा प्लीज कुछ तो बोलो, मानसी ने बुत बनी खड़ी शोभा से पूछा। वो उसे ले गई भाभी, लड़खड़ाती जबान से शोभा ने उत्तर दिया। कौन ले गई? लाल ओराना, तन्मय को ढूंढते हुए सुबह हो गई थी। मानसी और उसका पति जलज यह मानने को ही तैयार नहीं थे कि उनके बेटे को कोई प्रेत आत्मा ले गई है। तन्मय की तलाश में शोभा का पति भी साथ दे रहा था। उधर शोभा इसी गम में रो रही थी कि काश उसने पहले ही उन्हें लाल ओराना के बारे में बताकर सावधान कर दिया होता तो यह अनहोनी नहीं घटती। सुबह से शाम हो गई लेकिन तन्मय का कुछ पता नहीं चला। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई थी और पुलिस तन्मय को ढूंढने में लगी थी। रात के 2 बज रहे थे। मानसी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कुछ देर पहले तक बाकी सब भी जाग रहे थे लेकिन कल रात से नींद ना लेने की वजह से सबकी आंख लग गई थी। मानसी फोन में तन्मय की तस्वीर देखकर रो रही थी कि तभी उसे लगा कि कोई और भी रो रहा है। उसने सोचा शायद शोभा रो रही होगी, लेकिन जब वह उसके कमरे में गई तो शोभा कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो रही थी। मानसी ने खिड़की में से देखा कि समुद्र तट पर कोई औरत बैठी थी और रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। मानसी के मन में सवाल उठने लगे कि कहीं लाल ओराना वाली बात सच तो नहीं। मानसी ने कुछ नहीं सोचा, बस घर से बाहर निकलकर उस औरत की दिशा में बढ़ चली। उस औरत से जब वह थोड़ा दूर रह गई तो उसके पैर ठिठक गए, लेकिन वह तन्मय को वापस लाए बिना नहीं मानेगी, फिर चाहे इसके लिए उसे प्रेत आत्मा से ही क्यों ना भिड़ना पड़े। मानसी उस औरत के पास गई। क्या मेरा तन्मय तुम्हारे पास है? मानसी ने सीधा सवाल पूछा। उसका सवाल सुन वह औरत उसकी ओर मुड़ी और उसे देखकर मानसी की चीख निकल गई। उस लाल ओराने ने मानसी को डरावनी नजरों से देखा। मानसी का शरीर कांपने लगा और डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन वह हार नहीं सकती थी। मेरा बेटा कहाँ है? मानसी ने अपनी आवाज को मजबूत करने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज में कंपन साफ महसूस हो रही थी। देखो, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें एक माँ के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।
मानसी ने उसे धमकी देते हुए कहा, जिसे सुनकर वह जोर जोर से रोने लगी। मानसी को पता था कि एक आत्मा को गुस्सा दिलाना जानलेवा हो सकता है, लेकिन उस वक्त उसे सिर्फ तन्मय की फिक्र थी। अपने बच्चों को तो तूने मार डाला, लेकिन मेरे बच्चों को मैं तुझे मारने नहीं दूंगी। मानसी की बात सुन उस लालोराना का रोना बंद हो गया, लेकिन क्रोध बढ़ गया। मैंने नहीं मारा मेरे बच्चों को, नहीं मारा मैंने, कहते हुए उसने मानसी का गला पकड़ लिया। मानसी छटपटाने लगी और अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी उस लालोराना की पकड़ उसकी गर्दन पर से छूट गई और वो वहीं गिर पड़ी। मानसी आधी अचेत व आधी सचेत अवस्था में थी। उसने देखा कि काले कपड़ों में एक व्यक्ति उनकी ओर चला आ रहा है। जब वो करीब आया तो मानसी को समझने में देर न लगी कि वह भी एक आत्मा है। उसका चेहरा लाल और राना की तरह ही सफेद था, लेकिन उसकी आंखें वो पीले रंग की थी। बच्चा कहाँ है रोसेलिया, उस आदमी ने लाल और राना से पूछा। लाल और राना फिर से रोने लगी और ना में गर्दन हिलाने लगी। उस आत्मा के हाथ में एक कोड़ा था, जिससे उसने लाल लोराना पर वार किया और वो अब और जोर से रोने लगी। बच्चा कहाँ है रोसेलिया, एक बार फिर से उस आत्मा ने पूछा। नहीं बताऊंगी, तुमने पहले मेरे बच्चों को मार डाला और फिर मुझे, तुमने मुझे मेरे बच्चों का कातिल बना दिया और अब इन सब बच्चों को मार कर भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, कहते हुए लाल लोराना फिर से रोने लगी। लेकिन वह दूसरी आत्मा हंसने लगी। ओह रोसेलिया, कितनी अभूत हो तुम, पहले भी तुमने मुझसे उन सब बच्चों को बचाने की कोशिश की, पर क्या बचा पाई। जब तक यह कोड़ा मेरे हाथ में है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, कहते हुए उस आदमी की आत्मा ने जमीन पर कोड़ा मारा। मानसी अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े हुए उनकी बातें सुन रही थी और उसे बहुत कुछ समझ आ रहा था। लाल उराना वास्तविकता में एक अच्छी आत्मा है, जो उन बच्चों को इस आदमी की आत्मा से बचाना चाहती है, और इस आदमी ने ही लाल उराना और उसके बच्चों का कत्ल किया था। लेकिन जब यह कोड़ा इस आदमी के पास है, लाल उराना कुछ नहीं कर सकती। मानसी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने खुद को संभालते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस आत्मा के हाथ से कोड़ा खींच लिया। मानसी का हाथ लगते ही वह कोड़ा राख बन गया। जब उस आत्मा ने देखा कि उसके हाथ में कोड़ा नहीं है, तो वह घबरा गया। लाल उराना की आंखों में क्रोध उमड़ पड़ा और वह उस आदमी की ओर बढ़ने लगी, जो अब पीछे हटने लगा था। मुझे माफ कर दो रोसेलिया, मुझे माफ कर दो, वह गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन लाल उराना ने उसकी एक ना सुनी और उस आत्मा का गला घोटने लगी। थोड़ी देर में ही वह आत्मा राख बन गई और पूर्ण रूप से मूर्छा में जाने से पहले मानसी के कानों में रोसेलिया के शब्द पड़े, धन्यवाद, अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। मानसी को होश आया तो उसने देखा कि वह समुद्र तट पर पड़ी थी। सुबह हो गई थी, लेकिन सूरज को निकलने में अभी थोड़ा समय बाकी था। मानसी ने उठकर देखा कि लहरों के बीच कोई पड़ा था। वह भागकर उसके पास गई तो वह तन्मय था। मानसी ने उसे उठाया और देखा कि वह सिर्फ बेहोश था। मानसी तन्मय को गले से लगाकर लाल उराना का धन्यवाद देने लगी, जिसने उसके बेटे की उस दुष्ट आत्मा से रक्षा की थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहाँ ख़त्म होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। डैड, जल्दी यहाँ आओ, एलेक्स ने अपने पिता को आवाज़ लगाई। क्या हुआ एलेक्स, विशाल ने एलेक्स के कमरे में आते हुए पूछा। डैड, मैंने फिर वही सपना देखा, एलेक्स आगे बोलना चाहता था, लेकिन विशाल ने उसे रोक दिया। एलेक्स बेटे, तुम जानते हो कि ये सपना है और सपने कभी सच नहीं हुआ करते। तुम अभी 8 साल के हो और आज तक इंडिया नहीं गए हो। जब से तुम पैदा हुए हो, तब से हम इंडिया नहीं गए। इन बातों को नज़रअंदाज करो और सो जाओ, विशाल ने एलेक्स को उसका कंबल वापस उड़ाते हुए कहा। एलेक्स के लेटने के बाद वह उसका सर सहलाने लगे। डैड, मेरा नाम एलेक्स नहीं, अमर सिंह है, बादलगढ़ का बादल सिंह, एलेक्स ने आधी नींद में कहा। यह सुनकर विशाल चौंक गया। पिछले 1 महीने से हर रात एलेक्स एक डरावना सपना देखता और डर कर नींद से उड़ जाता। वह पूरा पसीना पसीना हो जाता। विशाल इस बात से बहुत दुखी था। आखिर वह उसका पिता जो था। 1 साल पहले, जब से विशाल की पत्नी और एलेक्स की माँ क्रिस्टी की मौत हुई है, तब से एलेक्स को विशाल ने अकेले ही पाला है।
लेकिन एक बात विशाल को हमेशा परेशान करती है, और वो ये कि क्रिस्टी को भी मरने से पहले इसी तरह के सपने आते थे, और वह इतना डर भी जाती थी कि पूरी रात सो नहीं पाती थी। यहाँ तक कि वो अपने सगे बेटे से डरने लगी थी, एलेक्स को हाथ तक नहीं लगाती थी। एक दिन इसी तरह का एक सपना देखने के बाद वह कोमा में चली गई थी, और एक महीना कोमा में रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। वह हमेशा सपने में खुद को गोली नाम से बुलाती थी। सपने में वह किसी बादल का भी जिक्र किया करती थी। पूरा सपना क्या था ये वह कभी ना बता पाई, लेकिन कभी कभी उसने राजस्थान का जिक्र किया था। जबकि क्रिस्टी लंदन में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी, और यहीं विशाल ने उसे पहली बार देखा। अपनी 10 साल की शादी में उन्होंने कई देशों की यात्रा की, लेकिन आज तक इंडिया नहीं गए थे। विशाल खुद भी 30 साल से इंडिया नहीं गया था। फिर क्यों क्रिस्टी राजस्थान की होने का दावा करती थी, ये विशाल कभी ना समझ पाया। वह हमेशा राजस्थान के किलों और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में गूगल करती रहती थी। जब इसे ऐसे सपने आने लगे और वह बीमार होने लगी तो विशाल ने उसे कई मनोचिकित्सकों को दिखाया, लेकिन कोई कुछ ना बता सके। इसलिए पिछले एक महीने से जब एलेक्स को भी वही सपने आते तो वह डर जाता है। वह कोशिश करता है कि एलेक्स उन सपनों को भूल जाए। एलेक्स के सपने डरावने नहीं होते थे, पर पता नहीं क्यों वह जब भी सपना देखता है एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती है। अगर विशाल उसे थपकियां देकर ना सुलाए तो वह रोता रहता है। आज भी एलेक्स को सुलाने के बाद वह अपने कमरे में आया और अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। उसने ठान लिया था कि क्रिस्टी की तरह वह अपने बेटे को नहीं खोएगा। उसने गूगल खोला और बादलगढ़ राजस्थान के नाम से सर्च किया। रिजल्ट में उसे राजस्थान के नाहरगढ़ किले का पिक्चर दिखाई दिया। यही वो जगह है डैड, जिसे मैं हर रात सपने में देखता हूँ, पीछे से एलेक्स ने आकर कहा। विशाल चौंक गया। जयपुर, राजस्थान? हाँ साहब, किधर जाना है? एक ऑटो वाले ने विशाल से पूछा। बादलगढ़ फोर्ट, विशाल ने ऑटो वाले से कहा, और एलेक्स को ऑटो में बिठाकर खुद भी बैठ गया। थोड़ी देर बाद वे बादलगढ़ फोर्ट के सामने थे। एलेक्स की तो खुशी का पार ना था, जैसे किसी अनाथ बच्चे को माँ मिल गई हो। डैड, आओ मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, विशाल के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। विशाल ने लाख जन्म के बाद भी एलेक्स हिंदी बोलना नहीं सीख पाया, लेकिन आज उसकी हिंदी सुनकर कोई नहीं कह सकता था कि वह एक ब्रिटिश है, और वह इस बरसों पुराने किले को अपना घर भी कह रहा था। डैड, उधर वो जो कंगूरे है ना, मैं रोज वहाँ डंड पेलता था, और वो जो बड़ा सा कमरा है ना, वो हमारी सबसे पसंदीदा जगह थी। वहाँ इतनी अच्छी हवा जो आती है। एलेक्स दौड़ दौड़ के विशाल को उन जगह के बारे में बता रहा था जो उसने खुद पहले कभी नहीं देखी थी। एलेक्स, हम यहाँ पहली बार आए हैं, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? विशाल ने पूछा। नहीं डैड, मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ, ये हमारी जन्मभूमि है। यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, और यहीं मुझे मार दिया गया, कहकर वो रोने लगा। विशाल को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। तभी वहाँ एक बहुत बूढ़ा भिखारी आया। वह एलेक्स को देखकर उसके सीने से लग गया। मारो बेटा, कितनी देर लगा दी आने में। वह फूट फूट कर रोने लगा। मारे काका सा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता मैं, कहकर बादल उस भिखारी के सीने से लग गया। आप कौन हैं बाबा, और एलेक्स को कैसे जानते हैं? विशाल ने पूछा। मारो नाम भीकू सिंह है बेटा, ये मारो बादल है। मारो बेटा, हम बादल सिंह राजा के नौकरों के वंशज हैं। बादल सिंह के नाम पर ही इसी किले का नाम है। हम इस किले में ही रहते थे। इस किले में एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है, जिसके बारे में बस मुझे और बादल को पता था। उस खजाने के लालच में एक अंग्रेज औरत जिसका नाम गोली था, उसने मारे बादल को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जल्द ही बादल को उसकी यह चाल समझ आ गई। गोली ने अपने धन के लालच में मारे बादल को जान से मरवा दिया। मारा बादल मर गया, पर उसने राजा जी के लिए पूरी वफादारी निभाई। आज भी बादल की चीखें इस किले में गूंजती है। मुझे छोड़कर बहुत सारे लोगों ने बादल की हृदय विदारक चीखें सुनी हैं। रात के वक्त बादल को बहुत सारे लोगों ने किले में घूमते देखा है। रात के समय इस जगह आना मना है। महारा बादल आज भी खजाने की सुरक्षा में रात भर पहरा देता है। आपका बेटा हमारे बादल का अच्छा दोस्त है, उसका नाम अमर था। बादल के मरने के बाद गोली ने उसे भी मरवा दिया, क्योंकि उसी ने गोली की सच्चाई बादल को बताई थी। भीखू रुंधे हुए गले से बोला। विशाल को अब समझ आ गया था कि क्रिस्टी ही गोली थी, और इसी सत्य ने उसकी जान ले ली।
उसे अब समझ में आ गया था कि एलेक्स खुद को अमर सिंह क्यों कहता था। बाबा, गोली मेरी ही पत्नी थी, इस जन्म में उसका नाम क्रिस्टी था। लेकिन समझ नहीं आता कि अगर उसे मारकर बादल का बदला पूरा हो चुका है तो आज भी किले में उसकी चीखें क्यों सुनाई देती हैं, विशाल ने पूछा। नहीं बेटा, एक साल पहले पहली बार उसकी आत्मा मुझे दिखाई थी। उसने मुझसे कहा कि उसने अपना बदला ले लिया है, अब अगर उस खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई ले सकता है तो वह उसका दोस्त अमर सिंह। उसने मुझे बताया कि वह कुछ दिनों बाद यहाँ आएगा तो मैं उसे खजाने का पता बता दूँ और उसे ही सुरक्षा की जिम्मेदारी दूँ। इसके बाद उसकी आत्मा मुक्त हो गई। अब पिछले एक साल से इस किले में कोई चीख सुनाई नहीं देती, लेकिन लोगों में खौफ भर चुका है, उसे खत्म होने में समय लगेगा। कुछ समय पहले तक इस किले में चीखें सुनाई देती थी, और तो और जो लोग खजाने के लिए लालच में यहाँ आते थे उन्हें भी बादल की आत्मा जिंदा नहीं छोड़ती थी, भीकू सिंह ने कहा। थोड़ी देर बाद भीकू सिंह ने सिर्फ एलेक्स को खजाने का पता बताया और अपने प्राण त्याग दिए। उसकी लाश को ले जाने के समय एलेक्स ने पीछे मुड़कर देखा, एक साया किले के गुंबद पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, तू तो नीरा डाफोर है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की कहानी की लेखक है प्राची। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। आज दिवाली की रात है। भारत में दिवाली की रात से ज्यादा जगमग शायद ही कोई और रात होती होगी, लेकिन यहाँ अमेरिका में कुछ गिने चुने ही हिंदू हैं जो दिवाली मनाते हैं। बाकी अमेरिकन्स के लिए तो यह रात भी बाकी रातों की तरह ही होती है। मैं भी जब यहाँ आया था तो लगा था कि कैसे रहूँगा एक अनजान देश में, अनजान शहर में, अजनबियों के बीच। लेकिन पिताजी ने सही कहा था, दुनिया तब तक अजनबी है जब तक आप अजनबी बने रहना चाहते हो। जब आप लोगों से घुलोगे मिलोगे तो आप पाओगे कि दुनिया में और भी इंसान हैं जो बिल्कुल आप जैसे हैं, आप जैसी आदतें, आप जैसे नाम या सकल सूरत, यहाँ तक कि कुछ लोगों के तो असूल भी आपसे मिलते जुलते होते हैं। बस पापा जी की यही बात दिल में लेकर यहाँ आ गया, और सच में मुझे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, और उनके साथ रहते रहते मैं कब उनसे घुल मिल गया मुझे खुद ना पता चला। आज मुझे यहाँ आए हुए 4 महीने हो चुके हैं। दीपावली पर इंडिया जाना चाहता था पर ना जा पाया, इसलिए आज की दीपावली मैं अपने दोस्तों के साथ कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो से बाहर कैंपिंग करके मनाऊंगा। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है, और कल मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा मेरा दीपावली सेलिब्रेशन, कहकर शिव ने कैमरा ऑफ कर दिया और तैयार होने चला गया। थोड़ी देर में वह अपने कैंपिंग के लिए जरूरी सामान को एक बैग में डालकर अपना फोन और वॉलेट लेकर तैयार हो गया। पूरी तरह से तैयार होकर उसने अपने दोस्तों को फोन लगाया। थोड़ी देर बाद उसके सभी दोस्त भी उसके हॉस्टल के बाहर आ गए। शिव के 4 दोस्त थे, ऑक्टिविया, एरिक, मिशेल और वीनस। एरिक और शिव को छोड़कर बाकी तीनों लड़कियां थी। एरिक अपनी कार से आया था, शिव भी पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कार की फ्रंट सीट पर मिशेल बैठी हुई थी जो एरिक की गर्लफ्रेंड थी। पांचों बहुत अच्छे दोस्त थे। शिव अपने कैमरे से पूरे सफर का वीडियो शूट कर रहा था। उन सब ने मिलकर सोचा कि डार्क फॉरेस्ट में जाकर कैंपिंग की जाए। बाकी सब तैयार थे, लेकिन ऑक्टिविया थोड़ा परेशान थी। वो जंगल मनहूस है, हमें कहीं और चलना चाहिए, मैंने सुना है वहां से कोई वापस नहीं आता, ऑक्टिविया ने इंग्लिश में कहा। नहीं यार, जिस जगह की तुम बात कर रहे हो वह जंगल का साउथ एरिया है, हम ईस्ट एरिया में जा रहे हैं जो बिल्कुल सेफ है, और वहाँ कैंपिंग के लिए बहुत सारे लोग जाया करते हैं, शिव ने ऑक्टिविया की उलझन दूर करते हुए कहा। उसकी बात सुन ऑक्टिविया कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो उलझन के भाव थे वह ज्यों के त्यों बने रहे। थोड़ी देर में शाम होने वाली थी और वे लोग डार्क फॉरेस्ट जंगल पहुंचने ही वाले थे। करीब 10 मिनट बाद रोड के दाएं तरफ एक बोर्ड आया जिस पर लिखा हुआ था, वेलकम टू डार्क फॉरेस्ट। उस बोर्ड को देखकर सभी लोग उसी रास्ते की तरफ मुड़ गए। 2 किलोमीटर तक तो सड़क बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन 2 किलोमीटर बाद घना जंगल शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ लंबे और घने पेड़ थे जिनकी वजह से जंगल में सूर्यास्त से पहले ही अंधेरा हो चुका था। अगर कोई आसमान की तरफ ना देखे तो उसे पता ही ना चले कि अभी रात ना हुई है।
पांच दोस्तों के लिए यह अनुभव रोमांचकारी था। इसी रोमांच का मजा लेने के लिए वे सब यहाँ आए थे। घने जंगल के बीचों बीच भी पक्की सड़क बनी हुई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक तिराहा आया, जहाँ दाएं बाएं और सीधे तीन रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। इस जगह आकर एरिक ने गाड़ी रोक दी। अब कहाँ जाना है, एरिक ने सवाल किया, लेकिन किसी के पास कोई जवाब ना था। शिव ने अपने सामान में जंगल का नक्शा ढूंढा। नक्शा मिलने के बाद उसने सही रास्ते का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। बहुत सर खपाने के बाद यह तिराहा नजर आया। थैंक गॉड, मिल गया। नक्शे के हिसाब से हमें बाएं जाना चाहिए, क्योंकि दाईं तरफ वह डेंजर जोन है और सीधे चले जाने से हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे, शिव ने बहुत ढूंढने के बाद कहा। एरिक ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी। जंगल और भी घना होता जा रहा था। बीच बीच में जंगली जानवरों और पक्षियों की आवाजें आ रही थी। काफी दूर चलने के बाद एक ऐसी जगह आई जहां थोड़ा मैदान था। एक तरफ पानी का एक झरना बह रहा था और उसके किनारे किनारे हरी भरी घास उग आई थी। दूसरी तरफ कुछ जंगली पेड़ पौधे उगे हुए थे। उन सबको यह जगह कैंपिंग के लिए सही लगी। एरिक ने गाड़ी से तंबू लगाने का सामान निकाला और पांचों ने मिलकर तंबू लगाया। इसके बाद सब तंबू के बाहर आग जलाकर बैठ गए और कुछ हंसी मजाक करते हुए अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगे। उनके साथ क्या होने वाला है, इस बात से अनजान वे अपनी मस्ती में गुम थे। कुछ देर बाद सब लोग सोने चले गए। रात में अचानक ऑक्टेविया की नींद खुली तो वह घबरा कर उठ गई। उसने देखा कि उनका तंबू गायब है और वे सब खुली छत के नीचे चैन से सोए हुए हैं। वह चिल्ला उठी, क्या हुआ? उसकी चीख सुनकर एरिक ने पूछा, जो अब तक बाकी लोगों की तरह उठ चुका था। लेकिन ऑक्टेविया के जवाब देने से पहले ही सब लोग सारा माजरा समझ गए। व्हाट द हेल, तंबू कहाँ गया? शिव रोष प्रकट करते हुए बोला। जवाब किसी के पास नहीं था, इसलिए सब लोग तंबू की तलाश में जुट गए कि शायद वह हवा से उड़ गया हो। लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अब सब एक जगह बैठ गए। हमारा सामान सही सलामत है, बिस्तर भी सही है, लेकिन तंबू गायब है। समझ नहीं आता कैसे, जबकि वह इतना भारी था कि इतनी आराम से गायब नहीं किया जा सकता। हम पांच लोगों ने मिलकर मुश्किल से लगाया था, वीनस ने परेशान होते हुए कहा। और अब शिव ने ध्यान दिया कि वहां ना कोई झरना था और ना ही कोई खुली जगह। वे लोग घने जंगल में झाड़ियों के बीचों बीच बैठे हुए थे। जंगली पेड़ इतने पास पास थे कि एक भी जन अपने पैर फैलाकर नहीं बैठ सकता था, और ऐसे में वो लोग सो भी रहे थे। उसने सबका ध्यान इस तरफ किया। गाइज, आई थिंक दिस प्लेस इज हॉन्टेड, वी हैव टू लीव, ऑक्टेविया ने खड़े होते हुए कहा। इस बार उसकी बात का किसी ने विरोध ना किया। सब अपना सामान समेटकर वहां से जाने लगे। जैसे ही वह जाने लगे, अचानक तेज आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि वे एक कदम भी आगे ना बढ़ा पा रहे थे। सब लोग एक घेरा बना लो और कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा, शिव ने अपने बगल में खड़ी मिसेल और ऑक्टेविया का हाथ पकड़ते हुए कहा। बाकी लोगों ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अचानक ऊपर पेड़ से एरिक के सिर पर कुछ गिरा। यह एक आदमी था जो पूरी तरह खून से लथपथ था। उसके आंखों की सफेद पुतलियां गायब थी। आंखों की जगह पर एक काला धब्बा नजर आ रहा था। हाथ पैर सफेद पड़े हुए थे। उसके तन पर कोई वस्त्र ना था। एरिक घबरा कर दूर हो गया। वह आदमी अब मिशेल पर झपटा और उसके हाथ को काट लिया। मिशेल दर्द से चिल्ला उठी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर सबने भागने का प्रयास किया, लेकिन अब वे पूरी तरह घिर चुके थे। चारों तरफ इसी तरह के मुर्दे जैसे दिखने वाले लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। शिव को अपने पिताजी के द्वारा हनुमान चालीसा के दौरान बोली गई लाइन याद आ गई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। वह लगातार इसी लाइन को दोहराने लगा। इसका असर यहाँ हुआ, वे लोग गायब हो गए थे। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। अब वे लोग एक साथ वहां से भागने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से वे यहाँ आए थे वह रास्ता कहीं है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है, हमने तो नक्शे में खुद ही देखा था कि इस तरफ आना है, एरिक ने नक्शे को दोबारा खोलते हुए कहा। काफी देर तक वे उस जगह को देखते रहे जहां वह तिराहा था। शिव ने पेन से उस जगह पर निशान बना दिया था जिससे वे भूले ना। वह निशान ज्यों का त्यों बना हुआ था। तभी शिव की नजर नक्शे में एक जगह पड़ी। होली शिट, यहाँ तो दूसरा तिराहा भी है, शिव ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। हम जरूर गलत रास्ते पर आ चुके हैं,
और एरिक अपनी बात खत्म ना कर पाया था कि एक मुर्दा पीछे से आकर मिसेल को खींच के गया। सभी लोग सहम गए। वीनस और ऑक्टेविया की चीख निकल गई। वे लोग गलत रास्ते पर आ चुके थे। अब कोई रास्ता उन्हें दिखाई ना पड़ रहा था। मिसेल गायब हो चुकी थी। अब उसकी चीखें भी बंद हो गई थी। चारों तरफ घना जंगल था और तो और अब कोई झरना भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सभी लोगों ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और जंगल में ही एक तरफ बढ़ने लगे। एरिक अपनी गर्लफ्रेंड की दुखद मौत से बहुत दुखी था। वह मिसेल को ढूंढने के लिए रुकना चाहता था, लेकिन शिव ने उसे समझाया और अपने साथ लेकर एक तरफ बढ़ने लगा। मुझे नहीं लगता हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, वीनस ने डरते डरते कहा। यहाँ कोई रास्ता नहीं है, हम बस आगे बढ़ रहे हैं, ऑक्टेविया ने डरते हुए कहा। वे लोग एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, तभी एक आदमखोर पेड़ ने ऑक्टेविया को अपनी शाखाओं में कैद कर लिया। उसकी चिल्लाहट से सबने पीछे मुड़कर देखा तो ऑक्टेविया पेड़ की शाखाओं में कैद छटपटा रही थी। उसे देख वीनस भी चिल्ला उठी, इस जगह आदमखोर पेड़ भी है? सब लोग पेड़ों से करीब 1 फुट की दूरी पर चलो। हमें माफ करना ऑक्टेविया, हम तुम्हें ना बचा सके, शिव ने ऑक्टेविया से माफी मांगी और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। ऑक्टेविया मर चुकी थी। अब बस वे 3 लोग ही बाकी थे। तीनों बहुत संभल संभल कर कदम रख रहे थे, लेकिन जितना वे आगे बढ़ने की कोशिश करते उतना ही गहरे जंगल में फंसे जा रहे थे। थोड़ी दूर बढ़ने पर उन्हें अपनी कार नजर आई। वे हैरान थे कि जो कार गायब हो चुकी थी वह यहाँ इस घने जंगल के बीचों बीच कैसे आई। एरिक ने जल्दी से हाथ छुड़ाकर अपनी कार का दरवाजा खोला और उसे चेक किया। सिर्फ वीनस, जल्दी से बैठो, सब ठीक है, गाड़ी सही सलामत है। वह जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शिव और वीनस बैठने ही वाले थे कि कार की पिछली सीट से एक हाथ आया और उसने एरिक का गला दबा दिया। यह देख शिव वीनस का हाथ पकड़ के वहां से भाग गया। दोनों की आंखों में आंसू थे, समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। तभी उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। 1 घंटे से वे लगातार चल रहे थे और अपने तीनों दोस्तों को खो चुके थे। दुख और सदमे और डर के कारण भरी ठंड में भी उन्हें प्यास लग रही थी। जल्दी से जाकर दोनों ने तालाब का पानी पी लिया। पानी पीकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। दोनों वही तालाब किनारे बैठ गए। अचानक वीनस ने देखा कि तालाब का पानी काला होने लगा। इसके साथ ही शिव और वीनस का शरीर भी अकड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उनके पूरे शरीर में एक अजीब सी अकड़न होने लगी। पूरा शरीर ऐसे टूटने लगा कि कोई हड्डी साबुत ना रह पाई हो। आंखों की सफेद पुतलियां गायब हो गई थी। बहुत देर तक एक अजीब से दर्द से जूझने के बाद दोनों ने प्राण त्याग दिए। अब वे दोनों भी मुर्दे बन गए थे, भयानक सी शक्ल वाले मुर्दे, और निकल चुके थे फिर किसी भटकते हुए यात्री की तलाश में, यानी कि शिकार पर। कोई नहीं जान पाया कि वे 5 साथी आखिर गए कहाँ। शिव के YouTube चैनल पर भी उसने यह जगह का नाम नहीं बताया था जहाँ वह कैंपिंग करने जा रहा था। उसका दूसरा व्लॉग कभी ना आ सका। दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में आपको बताए गए डार्क फॉरेस्ट को एक काल्पनिक नाम के द्वारा पर बताया गया है। मैंने आपको इसका असली नाम को नहीं बताया क्योंकि उसका नाम मुझे खुद भी नहीं पता और ना ही शिव के YouTube चैनल पर भी बताया गया है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको दोनों कहानियाँ अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ अब कल रात 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।